इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियों की तरफ से जोरदार प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता छीनने का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से हर चुनाव में इन दोनों पार्टियों के बीच ही कांटे की टक्कर रहती है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जो दो पार्टियों तक ही सीमित है। अगर किसी क्षेत्रीय दल ने यहाँ सरकार बनाने की कोशिश भी की तो वो नाकाम ही रही है। यहाँ हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला रहा है। इसी बीच एक बार फिर एक और सवाल खड़ा हो रहा है, क्या अब की बार कोई तीसरा पहलवान अखाड़े में उतरेगा या इस बार फिर दोनों पार्टियों को ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बीच एक और खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मध्य प्रदेश की सियासत काफी गर्मा रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया का एक अलग ही रोल रहा है। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाया था, तब मध्य प्रदेश की राजनीति में अलग ही उछाल आया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के ही नेता सिंधिया पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गुना सांसद केपी यादव के बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। सिंधिया परिवार का नाम लिए बिना कृष्णपाल यादव ने कहा कि अगर कुछ लोगों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी न की होती तो आज देश आजादी की 75वीं नहीं 175वीं वर्षगांठ मना रहा होता। सांसद के इस बयान ने मध्य प्रदेश के गलियारों में सियासत तेज कर दी है। दरअसल कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास रहे केपी यादव ने साल 2019 में बीजेपी का दामन थामते हुए उनके ही खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा और अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। तभी से सिंधिया और यादव में अदावत चल रही है। लेकिन कृष्णपाल यादव ने बाद में अपना बयान वापस लेते हुए कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं और मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं।